देखिए, ये कर्मचारियों के कहीं ना कहीं अधिकार छीने जा रहे हैं। एक कर्मचारी जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है डिपार्टमेंट के लिए, एक डिपार्टमेंट को सींचता है और सींच सींच के उसे बड़ा करता है और उस डिपार्टमेंट के माध्यम से जनता की कहीं ना कहीं सेवा करता है, और उस कर्मचारी को के साथ ऐसा काम ये सरकार कर रही है कि उस कर्मचारी को जैसे वृद्धाश्रम में इन्होंने भेजना है रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद जब उसका समय होता है, जब उसका ये समय होता है कि उसको जरूरत होती है मेडिकल फैसिलिटीज की, उसको जरूरत होती है पैसे की, उस समय पर ये सरकार कर्मचारियों को ऐसी गंभीर समस्या समस्या के अंदर भेज रहे हैं, उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिस जो बहुत ही गलत है। आप मैं इनसे, भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने, आपके एमएलए ने, आपके एमपीज ने, ये तो अपना घर भर रहे हैं, ये तो एक बार एमएलए बनते हैं एक बार पेंशन लेते हैं, दो बार एमएलए बनते हैं दो बार पेंशन लेते हैं, 10 बार एमएलए एमपी बनते हैं तो 10 बार पेंशन लेते हैं। इन कर्मचारियों ने कौन सा कसूर कर दिया? इन कर्मचारियों की क्या गलती है? क्या गलती कर दी इन्होंने आपको वोट देके? और ये आपकी ही नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हैं, इन्होंने कौन सी गलती कर दी कि आपने जो इनकी एक एकमात्र जो इनकी पेंशन थी, जो 20 20 30 30 साल लोग सर्विस करके अपने घर पे आते हैं, अपने घर पे लौट के आते हैं और आशा करते हैं कि वो आराम से अपना जीवन गुजर कर सके, ऐसा इन्होंने दुखी कर रखा है लोगों को। साइकिल यात्रा निकालनी पड़ रही है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं, लठ खाने पड़ रहे हैं। मतलब ऐसा कौन सा इन्होंने कसूर कर दिया कि इनके ऊपर पानी की बौछारें करी जा रही है, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इनकी मांग क्यों नहीं मांग ली जी जाती? तो चलिए, एमएलए एमपी को अगर ये पेंशन दे सकते हैं, मल्टीपल पेंशन दे सकते हैं, कर्मचारियों को पेंशन